मित्रों, मैं जब 2015 में अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था, दीदी हमें हल्के से ले रही थी। उनको लगता था ये क्या कर लेंगे बंगाल में, भला भाजपा वाले क्या करेंगे। मगर आप सबने, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और आज इसका नतीजा देखिए, विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, शुभेंदु के नेतृत्व में 77 विधायक आज हमारे विधानसभा में बैठे। लोकसभा में एक दो लोग कहीं से चुन कर आते थे पहाड़ी पर से, आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठे हैं। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। 0 से 77 होता है तो 77 से कितना होता है, 0 से 77 होता है तो 77 से 2/3 की सरकार बनती है, और 2 से 18 बनता है तो 18 से 35 बनता है। ये बात दीदी को मालूम है।